प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं है, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आकर आपको जेल से रिहा करवा ही लिया। हराम जादे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपीर साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। बेटे राज को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आज। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देखता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच जाओगे।
इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा मेरी नजरों से, गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया। मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता वो भी राख बन जाता, लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला, वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था। नमस्ते, मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूं, ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूं। कृष्णा ने आपको दो खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का और दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको? आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी नप रखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपके बड़पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो,
केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं ना कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज्ड होगी तुम्हारी बेटी। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है, मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घूमर तक पहुंचेगी, तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा ने दे तख लिया, आग! बेटी ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं, ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरा बाप तो जिंदा है ना, मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है ठहरी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी, जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका, अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी ना माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपके औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, यह हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए।
आओ रफू मास्टर आओ। कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो यहां आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है, वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पर मजबूर किया, जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। ये भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हसाई कराई उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुला कर लाई हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब न हो। बेटी मैं मानता हूँ कि आंधियां घरौंदों के तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर, मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पूजा मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूँ कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में जला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा? गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा।